Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is related to transforming Indian agriculture. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture, etc. So let's get started with our topic. See, देखो recently हुआ क्या है और ये क्यों हम बात कर रहे हैं, ठीक है? देखो recently शिवराज सिंह चौहान को अपॉइंट किया गया है टू हेड ऑफ मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट. उनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी स्ट्रैटेजिक है बिकॉज ऑफ उनके रिकॉर्ड, जो ट्रैक रिकॉर्ड उनके पुराने हैं, और डीप अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के, दैट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. उन्होंने सर्व किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश के लिए फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. उनके लीडरशिप के अंडर स्टेट ने अचीव किया है अच्छा खासा जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7% पर एनम एंड एग्री जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.8% पर एनम फ्रॉम 2005 टू 6 एंड फ्रॉम 2023 टू 2024, जो कि सरपास किया था नेशनल एवरेज को भी. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना, उसको अभी अर्जेंट अटेंशन की भी ज़रूरत है बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग इशूज और चैलेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें हम देख रहे हैं कि रूरल और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फर्क पड़ रहा है. ये फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है और इसको दी भी जानी चाहिए. एनुअल एग्री जीडीपी ग्रोथ को लाइक इट शुड बी इंक्रीज्ड एज सून एज पॉसिबल. अगर हम कहें देखो सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीकल्चर का हमारे कंट्री में, देखो सबसे पहली बात, इससे हमारे जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. जो एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना इंडिया के जीडीपी में, वो फ्यू डेकेड से सिर्फ डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, राइट? जो शेयर है जीडीपी का एग्रीकल्चर का टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इकोनॉमी में, वो डिक्लाइन हुआ है, जो कि 35% हुआ करता था 1991 से 1992 में, से 15% जो 2022 से 23 में हुआ है. और ये डिक्लाइन ब्रॉट किया गया है बाय डिक्लाइन इन ग्रॉस वैल्यू एडेड, बट एक रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिला है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में. सो डायरेक्टली जैसे हम बात करते हैं ना कि सर्विस सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा मेजर स्टेक होल्डर यू नो होल्ड करता है जीडीपी में, और एग्रीकल्चर नहीं करता. अभी हम एम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हैं. देखो एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कंट्री का, और अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, तो 45.76% टोटल वर्कफोर्स जो है दैट इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर 2022 से 23 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. अगर हम एग्रीकल्चर वर्सेज मैन्युफैक्चरिंग में देखें परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स कितनी है, अगर 21 और 22 के डेटा की बात करें तो आपका यहाँ पे देखें, ठीक है, 45.5% एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग में 11.6 है. नंबर्स में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है. फूड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं. देखो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है स्टेपल फूड में, फूड प्रोडक्शन में, पर्टिकुलरली हमारा राइस एंड वीट, तो ये लार्ज और ग्रोइंग पॉपुलेशन को अच्छे से फीड कर सकता है. इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मिल्क पल्सेस स्पाइसेस का, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केटल हर्ड बफेलोस एज वेल एज लार्जेस्ट एरिया है अंडर वीट राइस एंड कॉटन. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, वीट का, कॉटन, शुगर केन, फार्म फिश, शीप, गॉट मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड टी. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसने क्या किया है, प्रोवाइड किया है सब्सिडी, लेकिन फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स है जो रिलाय करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर, और ये इंश्योर करते हैं कि अफोर्डेबल फूड का एक्सेस हो पाए सारे सिटीजन्स के पास. PDS के अंडर देखो प्रेजेंटली कॉमोडिटीज़ है वीट आपको देखने को मिलेगी, शुगर, राइस, केरोसिन, जिनको एलोकेट किया जाता है स्टेट और यूटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. कुछ स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करती है एडिशनल आइटम्स ऑफ मास कंजप्शन थ्रू PDS, जैसे पल्सेस हो गया, एडेबल ऑयल हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस भी हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट विल टॉक अबाउट द लैंड यूज. देखो एग्रीकल्चर की जो लैंड है ना इंडिया में, दैट इज़ लिटिल मोर देन 50% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन द कंट्री. तो हाईएस्ट शेयर जो है लैंड का वो भी हमारे कंट्री में है. कंट्री के पास 195 मेगा हेक्टेयर अंडर कल्टीवेशन है, जिसमें से 63% रेन फेड है, रफली 125 मीटर हेक्टेयर, जबकि 37% इरीगेट करनी पड़ती है.
राइट। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी। कॉमोडिटीज जैसे चावल हो गया, स्पाइसेस हो गया, कॉटन हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, हमारे ट्रेड डेफिसिट बैलेंस होते हैं। अप्रैल से जनवरी के बीच में 2024 के ओवरऑल वैल्यू जो थी ना एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, दैट वॉज 38.65 बिलियन, और 2022 से 23 के बीच में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो था इंडिया से, दैट वॉज 52.20 बिलियन। राइट। सोशो कल्चर एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर डीपली इंटरवीन्ड है किसके साथ? इंडिया के कल्चरल हेरिटेज एंड सोशल फैब्रिक के साथ। ये रूरल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स एंड कॉमोडिटी लाइफ सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि वाइटल भी है हमारे कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़रूरी है अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी, वाटर, बायोडाइवर्सिटी। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स और मॉडर्न टेक्निक्स का एम होता है मिनिमाइज करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को और प्रमोट करना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। अभी की चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि कौन से की चैलेंजेस है दैट इज रिलेटेड टू द फार्म सेक्टर इन कंट्री। स्मॉल लैंड होल्डिंग, देखो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना एरेबल लैंड का, दैट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल होल्डिंग, जो फार्मर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है अपनी इकोनॉमी को अचीव करने के लिए और एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। अगर हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें जो हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ से? एग्रीकल्चर सेंसस से। तो दैट इज जो एवरेज साइज है ना ऑपरेशनल होल्डिंग का, वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.2 हेक्टेयर इन 1970 से 71 के बीच से लेके 1.84 हेक्टेयर हो गया है 1980 से 81 के बीच में। राइट। और ये नंबर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, अभी सिर्फ 1.08 है एज पर द डेटा फ्रॉम 2015 टू 16। इंडियन एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 2015 से 16 86.1% ऑफ फार्मर्स वो स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अभी इकोनॉमिक हार्डशिप की बात कर लेते हैं। जो एवरेज मंथली इनकम है फार्मर की इंडिया में वो काफ़ी लो है, जो हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय दोज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट के तहत जो कि 2019 से है, एवरेज मंथली इनकम जो है फार्मर के हाउस होल्ड की फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जिसमें वेजेस आ गया, क्रॉप प्रोडक्शन आ गया, लाइफ स्टॉक आ गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10,218। राइट। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करते हैं सारे चैलेंजेस इन एक्सेसिंग क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है किस चीज़ की, अफोर्डेबल क्रेडिट की, वो रिस्ट्रिक्ट करती है उनकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट। अभी अगर हम NSS सर्वे की बात करें जो कंडक्ट किया गया था 2019 में, ओवर हाफ ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो है दे आर डेप, मतलब कर्ज में है वो इंडिया में। राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कार्सिटी। देखो, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन किया गया है पानी का फॉर एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एक्वीफायर डिप्लीट हो रहे हैं, इरिगेशन को अवेलेबल करना अनवायबल हो रहा है की प्रोडक्शन रीजन में। अराउंड 90% ऑफ इंडिया का जो ग्राउंड वाटर है वो एग्रीकल्चर में ही यूज़ किया जाता है। इम्प्रॉपर लैंड प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, इनएडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर जो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोशन में। ये फैक्टर्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, वल्नरेबिलिटी जो है पेस्ट एंड डिजीज की इंक्रीज होती है, अल्टीमेटली एक डिक्लाइन देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी में। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इनसफिशिएंट स्टोरेज और कोल्ड चेन फैसिलिटीज है ना, और इनएडिक्वेट रूरल रोड्स है, लिमिटेड एक्सेस जो है मार्केट्स का, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स देखने को मिलते हैं उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लिमिट फार्मर्स की और बढ़ जाती है, वो फेयर प्राइस जो है फेच ही नहीं कर पाते मार्केट से। नेक्स्ट इज अंडर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर रिसर्च। काफ़ी कम इन्वेस्ट किया जाता है रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज में, जिसकी वजह से हम पेस नहीं रख पाते इन्फ्लेशन के साथ और डिक्लाइन हो जाता है रियल फंडिंग का। ये जो अंडर एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो हैम्पर कर रहा है, क्योंकि हम इसी रीजन की वजह से इनोवेटिव एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे एग्रीकल्चर में। देन वी हैव आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ना इंडियन फार्मर का, दे स्टिल रिलाई ऑन ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड फार्मिंग मेथड्स। और जो लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है इन्फॉर्मेशन को, और उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स की अवेयरनेस है ही नहीं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जो हिंडा करता है क्या, एडॉप्शन ऑफ एडवांस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और ये जो अंडर इन्वेस्टमेंट है ना एग्रीकल्चर रिसर्च में, वो हैम्पर कर रही है एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव एंड एफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट इज मार्केट वोलेटिलिटी एंड प्राइस फ्लक्चुएशन।
फार्मर्स जो है इंडिया में दे ऑफन फेस प्राइस वोलाटिलिटी बिकॉज डिफरेंट इफेक्टिव मार्केट के लिंकेजेस होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं और प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहता है जिसकी वजह से उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स स्ट्रगल करते हैं खुद को नेविगेट और मिटिगेट करने के लिए जो भी इम्पैक्ट हो रहा है अनफेवरेबल WTO की रूलिंग्स की वजह से। ग्लोबल प्रायोरिटीज जो है ना कि फूड के प्राइसेस लो रखो कंज्यूमर्स के लिए, उसकी वजह से फार्मर के गेट प्राइसेस जो है वो कम हो जाते हैं, फार्मर्स जो है उनकी इकोनॉमिक फैक्टर सस्टेन नहीं हो पाता है इसकी वजह से ना। नेक्स्ट स्क्यूर पॉलिसी चैलेंजेस इमर्ज होके आते हैं बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है चीज़ों को काफ़ी लो प्राइजेस में, राइट। इसकी वजह से प्राइजेस जो फार्मर्स को मिलते हैं ना उनके क्रॉप से वो उनके लिए इनफ मनी नहीं होता, और जो स्क्यूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट यूसेज प्रोवाइड करती है, एडवर्सली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, राइट। देन वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ये इंक्रीजिंगली इरेटिंग वेदर पैटर्न जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न, अभी क्लाइमेट चेंज, नेशनल डिजास्टर, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट्स, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को। ये इवेंट के वजह से क्रॉप में लॉसेस देखने को मिलते हैं, लाइफ स्टॉक का डेथ रेट बढ़ जाता है, वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है फॉर द फार्मर्स। और देखो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट असेसमेंट के अकॉर्डिंग बिना एडॉप्शन ऑफ एडाप्टेशन मेजर्स जो रेन फेड राइस ईल्ड है ना इंडिया में दे हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 20% लाइक दे आर गोइंग टू डिक्रीज बाय 20% बाय 2050 और 47% बाय 2080, राइट। कौन कौन से इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, देखो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज देयर, सॉइल हेल्थ कार्ड इज देयर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, डिजिटल आर्किड एग्रीकल्चर मिशन, यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट। वॉट शुड बी द स्टेप्स अहेड कि जिससे हम रिफॉर्म्स ला सके फार्म सेक्टर में, देखो वी नीड टू इम्प्लीमेंट होलिस्टिक एग्रीकल्चर अप्रोच, राइट। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना, कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन नेक्स्ट इज वैल्यू चेन डेवलपमेंट, हमें एक रोबोस्ट वैल्यू चेन को बिल्ड करने की जरूरत है फॉर हाई वैल्यू क्रॉप, डेयरी प्रोडक्ट, फिशरीज, पोल्ट्री। वी नीड टू कोलैबोरेट विद होम प्राइवेट सेक्टर्स, कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज टू अचीव दिस। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और PLI स्कीम्स को इंडस्ट्री में लेके आना चाहिए सो दैट हमारी वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है एनहांस हो। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, वी नीड टू इंश्योर कि फार्मर्स के पास एक्सेस हो बेस्ट टेक्नोलॉजीज का, ग्लोबल मार्केट्स का, सो दैट वो प्रोडक्टिविटी और इनकम्स को इम्प्रूव कर सके। वी नीड टू एड्रेस पॉलिसी बाइजेस जो फेवर करता है कंज्यूमर्स को ओवर फार्मर्स बाय रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट बैंस, स्टॉक लिमिट्स ऑन ट्रेडर्स और मार्केट सप्राइज सुप्रेशन टेक्टिक्स, राइट। फर्टिलाइजर सब्सिडी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को क्रिएट करने की जरूरत है, तभी जाके जो हम अटेन करना चाह रहे हैं वो अटेन कर पाएंगे। देखो पॉलिसी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करेंगे तभी तो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ और तभी हम इसकी फुल पोटेंशियल को अटेन कर पाएंगे। सो गाइज दैट वॉज ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.